करनाल जिले और नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव सोकड़ा में गोगा मेडी मेले के अवसर पर एक ओपन दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस आयोग के पूर्व सदस्य और कांग्रेसी नेता राजेश वैद्य पहुँचे, जहाँ पर मेले की कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जो लोग स्वस्थ थे कोरोना उन्हें छू तक नहीं पाया, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जहां बड़ों को एक बेहतर जिंदगी जीनी चाहिए, वहीं युवाओं को खेलों में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय जो खेल नीति थी उसे कांग्रेस की ही सरकार आने पर दोबारा से लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गोगा मेडी मंदिर में माथा टेका और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान सरपंच लाडी बिटू फरमाना, संजीव, मंटू, सुरेश, गुरलाल, शशिपाल और कानो आदि मौजूद रहे। काम के जो इंटरनेशनल प्लेयर थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में जो मेडल लेके आए, यहाँ तक कि हमारे एक समाज की बेटी भी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़कर आई, उसको भी उन्होंने डिस्प्ले करने का काम किया। तो हमारा ये कि उद्देश्य है कि भाई खेलों को प्रमोट किया जाए। पिछले दिनों आपने देखा कोरोना महामारी का दौर था, तो जो लोग स्वस्थ थे, हस्त पुष्ट थे, उनका काफ़ी हमारा बचाव रहा, ग्रामीण क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण खेल स्टेडियम है, अगर हुड्डा साहब द्वारा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो खेलों को पूरी उससे शिद्दत के साथ प्रमोट किया जाएगा। नीलोखेड़ी के सोकड़ा गांव से सारिका की रिपोर्ट।